वेलकम बैक टू द वीडियो। और हर जगह ब्लूटिक इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन हो रहा है, सबके पास ब्लूटिक है। जहां पहले मुझे एक दो लोगों के पूरे दिन में लाइक आते थे ब्लूटिक जो वेरीफाइड अकाउंट्स के, वहां भर के हर सेकंड ब्लूटिक वालों के लाइक्स, कमेंट, फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है। एंड ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब यार ब्लूटिक को इतना ज्यादा वो कर दिया है कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। ये एक पहले ना एक लगता था कि हमने इंस्टाग्राम पे कुछ किया है तभी ये मिलता था, बट अभी अच्छा आप अपने व्यूज मुझे बताना कि आपको क्या लगता है 699 वाला ब्लू टिक ठीक है या फिर नहीं है। बाकी 699 वाले ब्लू टिक से याद आया मुझे कि अब क्या डिफरेंस है दोनों में, जो एक रियल है वो उसे कैसे पहचानना है एंड जो 699 वाला है उसे कैसे पहचानना है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या बेनिफिट्स मिलते हैं 699 वाले में और क्या बेनिफिट मिलते हैं जो लेगेसी जो ब्लू टिक है उसमें। इस वीडियो में डिटेल में उसी के बारे में बात करने वाले, वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक जरूर देखना है, करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है। पहले तो मैं बता दूं जो लेगेसी वाला ब्लू टिक है और जो नॉर्मल वाला ब्लू टिक है उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सब चीज सेम है। जो वेरीफाइड अकाउंट है वहां पे, मतलब जो एक लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट है वहां पे जितने भी सारे बेनिफिट मिलते हैं वही सारे बेनिफिट हमें 699 वाले में मिल जाते हैं। बस 699 वाले में हर महीने पैसे खर्च होंगे, वही जो लेगेसी ब्लू टिक है वो एक थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है एंड वहां पे हमारे पैसे नहीं होंगे पूरे लाइफ टाइम के लिए खर्च। ओके, दोनों का अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग किसी के ब्लू टिक पे टैप करके वहां पे साइन अप करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करने के लिए हमें अकाउंट एंड सेटिंग क्रिएटर टूल्स में जाके नीचे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे टैप करके अपनी आईडीज और अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं सोशल मीडिया से उनके लिंक देने पड़ते हैं, जो लिंक्स हमें यहां नहीं देने पड़ते जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहां पे सिर्फ हमें एक आईडी देनी पड़ती है। यहां पे बेनिफिट बाकी दोनों में सेम है, वही हमें कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कोई भी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम से तो हमें कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ब्लू बैज मिल जाता है दोनों में, जो ब्लू चेक मार्क होता है ब्लू टिक वो मिल जाता है, कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं जो हमें स्पेशली सिर्फ चेक मार्क यानी कि जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उन्हें ही स्पेशल स्टिकर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ हमारे अकाउंट की रीच बढ़ती है, हमारे अकाउंट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम खुद पुश करती है, ये दोनों चीज हमें दोनों में मिलती है। अब ये कैसे पहचाने कि यार किसने खरीदा है और किसके पास ये लेगेसी ब्लू टिक ऑलरेडी है जो पहले से है, मतलब रियल वाला ब्लू टिक, उसके लिए दो सिंपल से तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तरीका तो ये है कि जिसका भी आपको लगता है कि ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं इनका देख लेता हूँ ऋतु राठी का। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक कैसे करूंगा, अगर मैं इनके फॉलोवर्स देखता हूँ तो इनके मैं सिर्फ 50 फॉलोवर देख पाऊंगा, इससे ज्यादा फॉलोवर्स नहीं देख पाऊंगा। ओके, वहीं जिसने भी खरीदा है, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है, मैं चेक करके देख लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई अकाउंट होगा जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है, इनका सब्सक्रिप्शन लिया है या नहीं लिया वो चेक कर लेते हैं, इनके मैं सारे फॉलोवर्स चेक कर पा रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स इन्होंने जो है वो खरीदा है। और एक चीज और चेक कर सकते हो वो ये कि इनके हम लोग जैसे ब्लू टिक पे टैप करेंगे यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे अबाउट में हमें पता लग जाएगा, आप देखो वेरीफाइड में ब्लू चेक पे टैप करते ही जून 2023 यानी कि जून 2023 से ही सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आया था ना हम लोग जो करते थे ब्लू बैज का, वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई पहले से ही जो लेगेसी वेरीफाइड होगा वो हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं और कोई पुराना चला लेता हूँ जिनके पास पहले से है, मैं अगर वो चेक करके देखूँ तो मैं किसी का भी देख लेता हूँ। ओके, मैं इनका देख लेता हूँ, ट्रैवलिंग देसी जी का, यहाँ पे मैं फॉलोवर्स पे टैप करूँ, इनके फॉलोवर्स मैं नहीं देख पाऊंगा पूरे, पहली चीज। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन पे टैप करूँ तो वेरीफाइड इन नवंबर 2022 यानी कि ये पहले ही वेरीफाई हो चुके थे, सब्सक्रिप्शन तब तक आया भी नहीं था। तो इन दो तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि कब वेरीफाई हुआ है, और जिनका है वो रामबान इलाज तो वही है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीदा, उनके हम सारे फॉलोवर्स देख सकते हैं, जिनका ऑलरेडी था, जिनका लेगेसी ब्लू टिक है, जिनका रियल वाला है उनके हम फॉलोवर्स नहीं देख सकते 50 से ज्यादा, ये आपको पता लग गया है, यही दो डिफरेंस है। बाकी आपको क्या लगता है 699 वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में इन्होंने ब्लू टिक को क्या बना दिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बाकी उसी के साथ साथ वीडियो भी पसंद आई होगी, आइए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन, थैंक यू सो मच।